नमस्कार, मैं किरण चौधरी एक बार फिर से आप सभी के साथ। देखिए, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही खास मेहमान से आपको मिलवाने जा रहे हैं, जो राष्ट्रीय खिलाड़ी दीपेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान के सीकर जिले के सांवलोदा के लाडखानी निवासी, जिन्होंने शेखावाटी का नाम न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे भारत में रोशन किया है। इतना ही नहीं, शेखावाटी की प्रतिभाओं को तराशने के लिए भी इन्होंने शेखावाटी के सीकर में एक शेखावाटी शूटिंग रेंज शुरू की है। तो बहुत ही खास मेहमान, सबसे पहले सर आपका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। थैंक यू सर। तो देखिए, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो देखिए सर के बारे में मैं बता दूं, सर एक ऐसी फैमिली में है जहाँ इनके पिताजी, ताऊजी, दादाजी सभी आर्मी में थे और इनका बचपन आर्मी की यूनिफॉर्म और हथियारों को देखते हुए बीता। इनकी भी बड़ी इच्छा थी कि मैं भी आर्मी में जाऊं, लेकिन कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से ये आर्मी में नहीं जा पाए। लेकिन शूटिंग को ज्वाइन करके इन्होंने अपना वो सपना पूरा किया। ना केवल अपना वो सपना पूरा किया, बल्कि शेखावाटी की प्रतिभाओं के लिए भी आज वो एक मार्गदर्शक, एक गुरु और एक जो है उनके लिए बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर, हम आप ही से जानना चाहेंगे, आपका जो आपने शूटिंग में कैरियर शुरू किया, वहां से लेकर यहां तक की जो आपकी जर्नी रही है, सबसे पहले उसको जानेंगे हम। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपका भी बहुत आभार और धन्यवाद कि आप हमें ऐसे अवसर दे रहे हैं, लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, लोग हमें देख रहे हैं, तो शायद उनको भी बहुत सी चीजें समझने को मिलेंगी, हमें भी एक एक्सपोजर मिलेगा। एक खिलाड़ी के तौर पर ऐसे अवसर बहुत कम मिलते हैं, नेताओं को ज्यादा मिलते हैं। तो पहले तो धन्यवाद। फिर जैसा आपने बताया कि शुरुआत कैसे हुई, क्या हुआ, तो जैसा कि आपने बताया, एक फौजी परिवार से थे हम, वीडियो से फौज में है, सभी फौज में आज भी फौजी हैं, तो वही चीजें देखते हुए बड़े होते हैं, तो हम लगभग लगभग उसी माहौल में होते हैं, वही सीखते हैं, वही धर्रा होता है, रूटीन हमेशा वही, उसी तरह आज भी वही रूटीन चलता है। तो उसको देखते हुए एक तरीके से हम फौजी थे शुरू, लेकिन जैसे बहुत से ऐसे कारण थे जिनकी वजह से एज एन कमीशन ऑफिसर हमें जाना था, बट इट्स नॉट पॉसिबल टू सम प्रॉब्लम। तो हमने जब फिर धीरे धीरे जैसे ही हम बड़े हुए, तो शूटिंग नेचुरली हम लोग शूट किया करते थे, हम लोग देखा करते थे, तो अपने आप एक हथियारों की तरफ रुझान था। हमने हथियार उठा लिया, अब दो तरीके से हथियार उठाते हैं, एक तो गेम में जो हथियार उठाते हैं उनको यश मिलता है, जो गलत तरीके से उठाते हैं उनको अपयश मिलता है। तो संयोग से हमारे हिस्से में वो अच्छे वाले हथियार आ गए, तो हमने खेलना शुरू कर दिया। मेरे एक फ्रेंड है मिस्टर ओम प्रकाश चौधरी, जो अपने लक्ष्मणगढ़ नरोदा के हैं, इंटरनेशनल शूटर हैं, अभी राजस्थान पुलिस में है, पहले इंडियन आर्मी में हुआ करते थे, तो वो इंडिया की टीम में खेला था, वो पिस्टल के शूटर था, तो वो कंटिन्यू कर रहा था। तो उनसे बातचीत हुई और उन्हीं की बातचीत से निकल के रहा कि मैंने कहा मैं फिर से शूटिंग वूटिंग स्टार्ट करना था, हम पहले साथ में क्या, तो मैं भी करना चाह रहा हूँ। तो वो पिस्टल के थे, मुझे राइफल का था, तो मैंने राइफल चूज किया। 2010 में ऑफिशियली हमने रिस्टार्ट कर, फिर वो धीरे धीरे करते करते हमारी जो प्रैक्टिस थी, क्योंकि शूटिंग एक ऐसा गेम है, शूटिंग हुआ आपका, पोलो हुआ, गोल्फ हुआ, ये कुछ चुनिंदा ऐसे गेम है जिन्हें हम कभी भी धरातल पे नहीं देखते। हमारे यहाँ पे ये गेम कभी भी ग्राउंड में नहीं नजर आते हैं, हम खाली उनको अखबारों में देखते हैं, फोटो ही देखते हैं, और यही सोचते हैं कि ये भी कुछ गेम होते हैं।
यही चीज हमारे दिमाग में थी कि इनको हम अखबारों में ही देखते हैं, ये हमारे यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता। इस रिगार्डिंग हमने जब मेरी शूटिंग होती थी, ओम प्रकाश साहब की होती थी, तो वो जब छुट्टी आते थे तो उनको यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी कि यार मैं छुट्टी आता हूँ, मेरी प्रैक्टिस नहीं कर पा। अच्छा मैं यहाँ होता था तो मेरे लिए समस्या ये होती थी कि मुझे जयपुर प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ता था, जगतपुर अगला होगा ऑप्शन नहीं था। तो हमने तय किया कि क्यों नहीं एक 10 मीटर की शूटिंग रेंज हमने यहीं पे सीकर में डाल देनी थी। तो यूं करके ये 2015 में फाइनली, हालांकि प्लान तो हमारा 11-12-13 से स्टार्ट था, बट वो हम सोच रहे थे पता नहीं ग्राउंड में हो पाएगा या नहीं, क्योंकि वेपन्स पूरे इम्पोर्ट होके आते थे जर्मनी से, यूरोपियन वेपन्स थे, एमिनेशन यूरोप का था, तो चाहे एयर वेपन्स की भी बात करेंगे तो वो भी यूरोप से आते हैं। तो ये सब बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम थी जिनकी वजह से हम शुरू नहीं कर पा रहे। तो 15 होते होते ओम प्रकाश साहब को मैंने 2-3 साल से कह रखा था, तो हम लोग एक दो वेपन्स लेके आए जिसमें एक राइफल थी और एक पिस्टल थी। तो फिर हमारे पास इनिशियल एक ऐसा चीज था कि मैं मेरी प्रैक्टिस कर सकता हूँ और 2-4 बच्चे और यहाँ पे जानने पहचानने वाले कर। तो यूं करते करते वो शुरू हो गया। फिर मैंने 10 मीटर राइफल जोड़ लिया, मैं 50 मीटर .22 राइफल करने लग गया, जो मेरी मदर इवेंट है और मैं जिसको हमेशा माई ड्रीम, मेरे सपनों में यही था कि हाँ यही मेरी राइफल। तो हम वो खेलना शुरू कर दिया। जब स्टेट में गए, सो आई एम सिंगल पर्सन हु इज क्वालिफाइड इन द नेशनल इन सिंगल डे। एक दिन के अंदर मैं नेशनल खेल के आया था, जो सिंगल डे स्टेट क्वालिफायर, सिंगल डे प्री नेशनल क्वालिफायर, और ऐसे करते हम एक 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 दिन के अंदर, मतलब विदाउट प्रैक्टिस मैं नेशनल चला गया था। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा बड़ा था। तब लगा कि हाँ हम यार शूटिंग को एक करियर के तौर पे भी देख सकते हैं और ये हमें इसको कंटिन्यू करना चाहिए। कुछ लोगों ने मोटिवेट किया कि हाँ आपको इसको बिल्कुल कंटिन्यू करना। तो यूं करते करते शौक के तौर पे शुरू की हुई चीज थी वो एक प्रोफेशनल उसमें आ गई। तो ये तो हो गई हमारी। तो मैं इस तरीके से नेशनल शूटिंग पोर्टल पे आ गया, तो राष्ट्रीय निशानेबाजी में हम लोग जो मैं राउंड शूट हो गया, इंडिया टीम ट्रायल्स के लिए क्वालिफाई हो गया, समाओं को भी कभार तो मेडल भी आए हैं। तो जब ये पड़ गया तो फिर दोबारा एक विचार आया कि जो हमने बच्चों को सोच के एक छोटी सी चीज डाली थी कि ग्राउंड में होना चाहिए, अभी तक भी उसको हम एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, ग्राउंड पे हमारी शूटिंग आई नहीं। तो फिर हमने उसके लिए दोबारा से विदेशों से कुछ और अच्छे हथियार मांगे। प्रॉब्लम ये थी कि मैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं मेरे शूटिंग और मेरे बिजनेस के बाद में मैं शूटिंग सिखाने के लिए बच्चों को टाइम दे सकूं। तो हम बहुत अच्छे एक्सपर्ट कोचेज वगैरह हमने हायर किए और इक्विपमेंट्स पढ़ाए। तो यूं करके फिर बच्चों को अवसर मिलने लगे और इस तरीके से धीरे 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 अब शेखावाटी के अंदर आज के टाइम पे शूटिंग है वो एक तरीके से मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ कि एक तरीके से स्थापित हो चुकी है। हम ग्राउंड में आज शूटर्स को पैदा करते हैं, सो हमारे शूटर्स हैं नेशनल पोर्टल पे परफॉर्म करते हैं एंड इवन दे आर आल्सो क्वालिफाइड फॉर द इंडियन टीम ट्रायल्स। तो इंडिया टीम की ट्रायल्स के लिए खेले हैं, इवन थॉट इंडिया टीम के लिए खेले हैं मैं कह सकता हूँ डेफिनेटली। हमारे पास में मोनिका जाखड़ जैसे एग्जाम्पल है, हमारे पास हेमंत भीचर जैसे एग्जाम्पल, खेलो इंडिया जो गेम्स है उसमें दीपेंद्र जूनियर जो है ही इज आल्सो जया, बहुत से मतलब मैं कहूँ बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स है। रूपा करके एक बच्ची थी जो बहुत अच्छे जो गरीब परिवार से, सॉरी बहुत गरीब परिवार से बच्ची थी, उसको अवसर मिला। तो वो अभी राजस्थान पुलिस में है, तो उसके अभी हाँ ठीक है जब मैं बता। तो ऐसे मेरा कहने का मतलब धीरे धीरे शूटिंग में बच्चों को अवसर मिलने शुरू हो गए और आज आप देख ही रहे हैं शेखावाटी में, सीकर, चूरू, झुंझुनू जो हमारे तीनों ओरिजिन के जिले हैं, सभी जगह शूटिंग शूटिंग शूटर्स बहुत से शूटर्स। कभी हम अकेले हुआ करते थे, मुझे आज भी याद है कि जब मैं स्टेट क्वालिफाई करके प्री नेशनल्स के लिए गया था तो मीडिया में एक बहुत बड़ी फोटो आई थी, वो लिखा था कि दीपेंद्र सिंह क्वालिफाइड फॉर द प्री नेशनल्स। तो आज प्री नेशनल्स को कोई गिनता ही नहीं क्योंकि इतने क्वालिफायर्स आने लग गए। तो एक दौर था, तो बिल्कुल वैसे ही हम शूटिंग को धरातल पर लेके आ गए और हमें बड़ा अच्छा लगता है कि वी आर द फर्स्ट जो इसको यहाँ पे ग्राउंड पे लेके आया। दिस इज यस। क्या बात है,
क्या बात है सर, बहुत खूब। एक हम लोगों ने वाकई में सिर्फ पारंपरिक खेलों के बारे में सुना था, और ऐसा खेल जिसके बारे में देखना तो दूर सुनना भी बहुत मुश्किल था, उस खेल के में आपने आज पहचान बना दी शेखावाटी की। इसके लिए सर, सर आपका वीडियो, हाँ, तो इस खेल में आपने शेखावाटी को एक पहचान दिलाई है नेशनल लेवल पर। इसके लिए सर आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। जो आपने एक शुरुआत की थी, अभी तो बहुत आगे जाना है, कारवा देखिए सर जुड़ता चला जाएगा। और जो यहाँ की प्रतिभाएं हैं शेखावाटी की, उनको एक बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म मिला है। सर देखिए, सबसे बड़ी चीज कि जैसे ये शूटिंग है, माना जाता है ये जी थोड़ा सा भाई, महंगा गेम है, तो एक मिडिल क्लास फैमिली है या लोअर क्लास फैमिली है, वहां का अगर कोई बच्चा है वो इसमें अपना करियर बनाना चाहता है, तो वो किस तरीके से आ सकता है? कोई गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसी चीजें, या आपकी एकेडमी की तरफ से कुछ ऐसी चीजें? देखिए आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है, और आप जो कह रहे हैं यही हमने सोचा था कि उनका साथ, जब हम बात करते हैं तो साहब हम शुरू तो कर रहे हैं, लेकिन हम जिस चीज को शुरू कर रहे हैं ये सीकर में इसको लोग अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि हम मध्यम वर्गीय एक शहर से है जो जिसमें सभी लोग ऐसे हैं, बहुत ज्यादा ऐसे रिच नहीं है कि हम लोग शूटिंग शुरू कर रहे हैं और हमारे पास में बच्चे आ गए, तो ये बहुत से ऐसे प्रश्न थे। तो इसके लिए हमने इसका समाधान निकाला, क्योंकि एक शूटिंग जैसा कि आप बता रहे हैं बेशक महंगा है, लेकिन इसमें दो चीजें हैं। महंगाई तब है जब आपको इनिशियली आपका किट परचेज करना हो, ये हमारे लिए महंगा था जब हमने शुरुआत करी थी, क्योंकि कुछ था ही नहीं, हमें सब कुछ बाहर से मंगाना पड़ा और उपलब्ध संसाधन नहीं थे, इसलिए वो और भी महंगा पड़ा। अब जैसे मैं आपसे बात करता हूँ, 10 मीटर एयर पिस्टल एंड एयर राइफल, तो शुरुआत यहाँ से होती है, फिर उसके बाद में होता 25 मीटर पिस्टल, 0.22 पिस्टल, 25 मीटर, 0.32, 25 मीटर पिस्टल, उसके बाद में 50 मीटर फ्री पिस्टल, 50 मीटर राइफल, उसके बाद में आता है शॉटगन 12-12, उसके बाद में आता है बिल्कुल, ये हिंदुस्तान में होने वाले इवेंट्स। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे गेम महंगा होता जाएगा, ये जो इवेंट्स मैंने बताए। अब आपको ये पहले इस गेम में, देखिए किसी चीज को करने के लिए कोई ना कोई टारगेट आपका होना चाहिए। अगर आप शूटिंग करने आ रहे हैं तो आप सिर्फ मजे लेने के लिए अगर शूटिंग करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इतना महंगा गेम है जिसमें मजे आप ज्यादा ढूंढेंगे। तो इसलिए आपको टारगेटेड होना पड़ता है कि हमें करना क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। तो अब हमारे यहाँ पे मैं बात करूं कि सीकर में जो लोग हैं, तो उनका जो सबसे पहला ध्येय है वो ये है कि हम किसी भी तरीके से नेशनल गेम तक पहुंचे, नेशनल का सर्टिफिकेट लेवे और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में कुछ न कुछ हम सर्टिफिकेट जैसी चीज लेके हमारी नौकरी प्राप्त करें। गवर्नमेंट जॉब होता है और फर्स्ट प्रायोरिटी, वो हमारे लोगों की पहली प्राथमिकता होता है, मोस्टली ऐसा होता है। और अगर जिनकी प्राथमिकता ये अपना गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो उनका रास्ता भी नेशनल से ही निकले, तो जो नेशनल खेलना है वो सबसे पहले, तो टारगेट द फर्स्ट टारगेट नेशनल, तो नेशनल पहला पड़ता है। अब नेशनल खेलने के लिए आप 10 मीटर राइफल और पिस्टल में खेलेंगे तो भी नेशनल का सर्टिफिकेट है, वो नेशनल का ही है। आप 25 मीटर को खेलेंगे, जैसे 10 मीटर, 10 मीटर का अगर मेरे से बात करें, अगर हम एकेडमी में सस्ता करने के लिए इसको किट पूरे के पूरे, वेपन्स हमारे हैं, रेंज हमारे पास में है, कोचेज हमारे पास में है, आपको सिर्फ आना है, अपने पैलेट्स परचेज करने हैं और फिर फायर करना है। तो ये एक साल का लगभग 50-60 हजार रुपए कोस्ट करता है, और मुझे लगता है एक साल में आराम से नेशनल हो जाते हैं, जो नहीं होते वो दूसरे में तो किसी भी हालत में।
तो 50-60 हजार रुपए एक एवरेज अमाउंट है शूटिंग को देखते हुए, जिसमें आराम से क्वालिफाई हो जाए। वरना किसी को 10 मीटर भी स्टार्ट करना है तो 1,50,000-55,000 की तो पिस्टल लाएगा, उसका किट वगैरह अरेंज करेगा, तो 2.5-3 में तो वैसे ही चला। तो 2.5-3 लगाना एक इनिशियल स्टेज पे हमारे लोगों की मानसिकता में नहीं है। तो हमने उसको गेम को वहां से उतार के 50-60 एक एवरेज रेंज में हम लेके आ गए, यहाँ तक अफोर्ड कर सकते। मैं ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ, ये मैं प्राइस वाला चैप्टर कोई बात नहीं, लेकिन मेरा बताने का कारण ये है कि 10 मीटर भाई, आपको टारगेट आपका है नेशनल लेवल का, आपको सर्टिफिकेट लेना है। अब 10 मीटर में तो आप 50-60 हजार में वो सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अगर आपने 25 मीटर 3-2 पिस्टल कर दिया तो आपका वही नेशनल खेलना 2 से 2.5 लाख रुपए में हो जाएगा, अगर सब संसाधन दूसरा उपलब्ध कर देगा। जैसे जैसे आप बढ़ते जाए, इसी तरीके से जब आप शॉटगन में पहुंचेंगे ना खेलने के लिए, और शॉटगन का नेशनल आपको चाहिए और उसमें राउंड शूट करना है, सर्टिफिकेट चाहिए, तो 11 लाख रुपए लगता है। तो जब आपका नेशनल का वही सर्टिफिकेट जो 60 हजार में हो सकता है, आपको सिर्फ मजे के लिए शॉटगन चलानी है जिसमें 11 लाख रुपए लग रहे हैं, और दोनों की वैल्यू बराबर है, दोनों नेशनल है, तो आपको ये तय करना है कि आपको पैसे फूकने हैं या फिर नेशनल का सर्टिफिकेट लेना। तो ये टारगेटेड चीज है, आपको तय करना है कि हमें करना है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो 25 मीटर में भी जा सकते हैं, आपको लगता है कि मुझे इस इवेंट में मेडल मिल सकता है, तो फिर आप अपने खर्चे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम कोचिंग को भी बहुत पैसे देते हैं तो वो इसलिए खर्च करते हैं। फिर क्या होता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में पैसा होता है तो वो पैसा खर्च करने के लिए भी शूटिंग करते हैं। तो शूटिंग क्योंकि बहुत महंगा गेम भी है कई दफा, जैसे मैंने बताया, तो वहां पे वो लोग भी आते हैं जो बहुत रिच हैं। यहाँ पे ऐसे लोग भी आते हैं जो ग्रामीण परिवेश से हैं और जिनके पिताजी मजदूरी करते हैं और बचपन के बच्चे यहाँ शूटिंग करते हैं। मेरे पास में ऐसे बच्चे हैं जिनके पिता मजदूरी करते हैं, किसी का पिताजी ऑटो चलाता है, किसी का पिताजी वो ट्रैक्टर में पत्थर भरने का काम भी करता है। तो ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं आपको मैंने बताया अभी, वो जो रूपा नाम के बच्चे हैं, उसके फादर साहब थे वो कहीं सक्षम ही नहीं थे, लेकिन वो बच्ची करती थी। हमारी तरफ से जो हो सका हमने उनको सपोर्ट करने की कोशिश करी कि ठीक है बेटा इसकी फीस कम करो, हम पहले हमारे हाथ में सबसे पहला काम है डिस्काउंट, हमारी अफोर्डेबल कॉस्ट में लेंगे क्या। फिर कोई बहुत अच्छे भामाशाह है उनसे कांटेक्ट करो कि इस बच्चे को आप सपोर्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते, तो पहला काम तो ये होता है। फिर कुछ घर वाले, तो यूं करके हमने जैसे किया। अब वो रूपा है आज राजस्थान पुलिस के अंदर लग गया शूटिंग के तहत, तो उसका कैरियर बन गया। उसी तरीके से बहुत से ऐसे बच्चे हैं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास में एक सुरेश गोरा करके बच्चा था जो रात्रि फिल्म में दिया, मुकेश कुलरी करके एक बच्चा था जो डोगरा रेजिमेंट में दिया, एक हेमंत विजय अभी करके बच्चा था, उसके पिताजी तो खेती करते हैं, तारपुरा का बच्चा था और राजद्वीप के अंदर डायरेक्ट गया, कुछ भी नहीं करना पड़ा, आज भी प्राउड इंडियन आर्मी टीम का मेंबर हो गया, बहुत ऑनरेबल बच्चा। तो ऐसे मैं बहुत से एग्जाम्पल है मेरे पास में जो मतलब हमारे यहाँ के जो बच्चे उनको इतने अवसर मिल गए क्योंकि धरातल पे एक गेम आया और उसका लाभ आज उनको मिला। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो लाइन में, तो ऐसा नहीं है कि ये महंगा ही गेम है, आपको टारगेटेड होना पड़ेगा। बहुत सी ऐसी चीज जीवन में भी, मैम आप जैसे आपका घर का बजट ठीक है, अब महिलाओं को मोस्टली यही रहता है कि मेरे किचन का बजट क्या है, आपकी किचन ऐसी है कि आपको अपना बजट मंथली तय करना पड़ेगा। आप उसको 50 हजार भी कट कर दीजिए और आप उसको 20 में भी मैनेज कर, डिपेंड ऑन यू। तो ये हमें तय करना पड़ता है, तो जो लोग यहाँ आते हैं उनको तय करना पड़ेगा कि उनको खाना क्या है, कितना खर्च करना है, यहाँ चलाना कितना है और कितने पैसों में काम चलाना है। वरना यहाँ पे शूटिंग ऐसा गेम है जिसके अंदर 5,000 रुपए डेली प्रैक्टिस के भी लग सकते हैं, तो ये आप पे निर्भर करता है। मेरे ख्याल से आपका जवाब मिल गया।